गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और मैं आज उठ के और सबसे पहले मैं सोच रही हूँ योगा कर लूँ। और मेरा जो है ना, अभी का जो रूटीन थोड़ा डगमगा गया है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जो है स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है तो थोड़ी है ना उठने में भी देर हो जाती है, और जिसके कारण मेरा किसी किसी दिन योगा छूट भी जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है सारा जो है एक्सरसाइज नहीं भी कर पाऊँ तो, लेकिन मेडिटेशन वगैरह और कुछ बेसिक से जो योगा होते हैं वो ज़रूर मैं फॉलो करूँ। तो मेरी यहाँ चल रही है योगा और इसके बाद में बाकी के काम करूँगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड, मेरी जो है बीच में कई दिन जो है मेरा एक्सरसाइज वगैरह छूट गया था, बस ये कहीं आलस थोड़ी देर से जगती थी जिसके कारण मुझे ना करने में आलस आता था, मैं नहीं करती थी। और मेडिटेशन भी मैंने इधर ना डेली नहीं कर पाती थी जिसके कारण मुझे फिर से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि बताया ये है कि मैं थोड़ी डिप्रेशन की शिकार हूँ जिसके कारण मुझे मेडिटेशन करना मतलब करना जो है कंपलसरी है, और ये डॉक्टर के कहे अनुसार ही मैं करती हूँ योगा और मेडिटेशन। लेकिन अभी मैं फिर से स्टार्ट की हूँ फ्रेंड्स, बीच में मुझे लगता है लगभग 1 वीक मैंने छोड़ दिया था जिससे मुझे प्रॉब्लम होने लगी है। और प्रॉब्लम फ्रेंड्स मेन ये होता है मुझे कि मतलब नींद कम आती है रातों में, मैं जो है डिप्रेशन की वजह से मुझे रात के 2-2.5 बज जाते हैं, नींद नहीं आती है। तो मैंने है ना फिर से अपना जो है एक्सरसाइज वगैरह शुरू किया है और मैं कोशिश करूँगी इधर मैं फिर से जाके डॉक्टर से मिलूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर करते हैं आगे का काम। और फ्रेंड, मैं चाय पानी लेने के बाद आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। और फ्रूट कस्टर्ड, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ये सब खाने का मज़ा सर गर्मियों में ही है फ्रेंड्स। तो ये जो है कस्टर्ड पाउडर काफ़ी दिन से मेरे पास पड़ा था तो मैंने है ना सोचा चलो बना देती हूँ। एक दिन पहले का दूध भी बचा हुआ था तो उसी में मैं डालकर बना देती हूँ, और फ्रूट भी अभी है। तो ये सब जो है फ्रेंड्स, अभी गर्मियों का जो है ये कहिए खाना से ज़्यादा यही सब अच्छा लगता है अभी खाना और पीना। और दूध फ्रेंड्स काफ़ी देर से उबल रहा है और मैंने इसमें चीनी भी डाल दिया, और दूध एक दिन पहले का ही है, पतीला देख के आपको पता लग ही गया होगा क्योंकि एक दिन पहले का दूध होता है तो वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है कई बार गर्म होते होते। और इधर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध में जो है कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच घोल के रखा है, और इसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल के और इसे हिलाते रहूँगी लगातार। और एक ही बार नहीं डालना है कस्टर्ड पाउडर, वैसे तो ये सभी बनाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं बना रही हूँ तो मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है और इसे अब फिर 5 मिनट और पकाएंगे अच्छी तरह, और उसके बाद ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये भी देखिए फ्रेंड्स, गाढ़ा हो गया है। तो अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और इधर मैंने फ्रूट भी कट कर लिया है, और वैसे बनाना वगैरह भी था फ्रेंड्स लेकिन मैं बनाना नहीं डाली क्योंकि मैं बनाना नहीं खा पाती हूँ, मुझे मतलब बनाना से एलर्जी है कुछ कारण से, मतलब जब भी मैं बनाना खाती हूँ तो मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती है और पेट में दर्द, इसलिए मैं बनाना कभी भी नहीं खाती हूँ। मुझे लगता है लगभग मुझे 8 से 10 साल हो गए होंगे बनाना मैंने जो है छोड़ दिया है खाना, तो मैं बनाना नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, और बनाना मैं देखती हूँ सौरभ को भी ज़्यादा पसंद नहीं होता है तो इसलिए मैं बनाना नहीं डाली हूँ इसमें। और फिर आजकल मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा गैप हो जाती है, मतलब 4 से 5 दिन का गैप हो जा रहा है, कोशिश करती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों आजकल ज़्यादा ही आलस आ रहा है, और आजकल थोड़ी जो मतलब पता नहीं क्या बताऊँ, थोड़ा मूड भी नहीं अच्छा रहता है तो नहीं दिल करता है वीडियो वगैरह बनाने का। और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है जिससे वॉइस ओवर करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फ़ैन ऑफ कर करके तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड, अभी देखिए मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30 और धूप देखिए कैसे तेज चमक रही है, बहुत तेज़ धूप है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं अभी आई हूँ बाहर कपड़ा डालने, तो मैंने आज कुछ कपड़ा ना ये देखिए मैंने हाथ से धोए हैं तो वही मैं सुखाने जा रही हूँ अभी ना, हाथ से धोना भी है ना कपड़ा अच्छा लगता है धोने में, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो को भी शुरुआत कर देती हूँ। और आज आज है संडे, और धूप आप लोग फ्रेंड्स देख ही रहे हो इतनी तेज है, और अभी तो सभी जगह वैसे ही गर्मी पड़ी है फ्रेंड्स, बस ये है कि पहाड़ों इलाका में जैसे उधर हिमाचल साइड और उत्तराखंड में तो मौसम बहुत अच्छा है। मैं देखती हूँ फ्रेंड्स की वीडियो तो उन लोग बताती है तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि चलो वहाँ तो मौसम बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ तो बहुत ही गर्मी है,
और अभी आपने जो एक लेडी को जाते देखा फ्रेंड्स, तो ये हमारी रेंटर है, तो इधर ये टीना शीट में रहती हैं, और वो है ना नर्स हैं, तो वो अपनी ड्यूटी वगैरह जाने की तैयारी कर रही हैं, और मैं यहाँ जो है कपड़े भी सुखा रही थी और कुछ हम लोग बातें भी करते जा रहे थे। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, मतलब है ना मौसम ऐसा लग रहा है ना जैसे ऊपर दिखाई दे रहा है बादल बादल सा और नीचे इतनी तेज़ धूप, लेकिन यहाँ पता नहीं कैमरे में ऐसा क्यों है ना शो हो रहा है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। देखिए आपको ना दूसरी तरफ से एक कैमरा मैंने रखा है, तो यहाँ देखिए धूप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो गर्मी तो फ्रेंड्स अभी क्या कहने गर्मी की, तो गर्मी से तो मुझे बहुत ज़्यादा ही एलर्जी है, मुझे बिल्कुल भी गर्मी पसंद नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड मैं दोपहर में कुछ भी सूट नहीं की, नहाने के बाद और खाने के बाद मैं तो रेस्ट करने लग गई थी। और यहाँ देखिए मैं शाम को फिर, ये लगभग 6 बजे का क्लिप है, यहाँ पर मैं है ना जो आमचूर मैंने उस दिन बनाया था, सुखाया था आम, तो वही मैं इसको छान रही हूँ। और छानने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसमें जो भी थोड़ा बहुत चूना जो बचा हुआ होता है, मैंने पहले बताया आपको कि ये चूना पुने पानी में घोल के मैंने सुखाया था, और ये बहुत ही है ना कुरकुरा होके सूख गया है, और इसे है ना अब मैं पीस लूँगी मिक्सी में, तो बहुत ही अच्छा है ना ये आमचूर पाउडर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। और आप लोग अगर नहीं बनाते हैं फ्रेंड्स, तो ये सीजन में ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि ये साल भर, साल क्या 2 साल 3 साल भी आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। बस इसे है ना, ये देखिए आपको मैं दिखा रही थी कि वो चूना जो है झड़ने के बाद कितना सा निकला है, और है ना बहुत ही अच्छा बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जिस दिन दिखाया था उसके बाद मैं इसको ना 3 4 दिन और सुखाई हूँ, और ये पूरी तरह अच्छी तरह से सूख गया है। यह क्या होता है ना, जब बहुत अच्छी तरह सूखता है ना, तो ये पीसने में मतलब दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से पाउडर इसका बन जाता है, और ये काफ़ी मतलब सालों तक टिकता भी है, ख़राब नहीं होता है। और ये फ्रेंड आंधी में गिरा हुआ आम था, आप लोगों को दिखाया ही था मैंने वो वीडियो, तो ये वैसे भी ये आम मैं क्या करती, मतलब ना पका हुआ था ना ही वो खाने लायक था, तो वेस्ट ही होता, तो इसका मैंने आमचूर पाउडर बना लिया, तो ये है ना काम आ गया। और ये मेरे जो है मतलब साल 2 साल के लिए ये मेरा आमचूर पाउडर बन के रेडी हो गया है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा मोटा मतलब ये दिख रहा था मुझे, तो मैं इसे छान लूँगी और इसे है ना मैं पाउडर बना लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए हमारा जो है आमचूर पाउडर रेडी हो गया फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा बना था फ्रेंड्स। मैंने थोड़ा सा ना एक चुटकी मुंह में डाल के टेस्ट भी किया था, बहुत ही खट्टा खट्टा है, और बिल्कुल भी इसमें कोई चूना का टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि चूना पानी में भिगोने से चूना का टेस्ट आता है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें कहीं भी चूना नहीं मतलब रहता है, क्योंकि सारा जो है सूखते सूखते ही वो झड़ जाता है। और ये देखिए जो ये चूरा बचा है, तो मैं उसको फेंक दूँगी और इसे मैं स्टोर कर लूँगी डब्बे में। और फ्रेंड मैं तो यही कहूँगी, जो घर में नहीं बनाती हैं, तो आमचूर पाउडर अभी जो है इसी सीज़न में ज़रूर बना लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम लोग मार्केट में ख़रीदते हैं तो बहुत ही महंगा पड़ता है, क्योंकि जब मैंने मिर्ची का अचार बनाई थी, लाल मिर्च का अचार, तो मार्केट से मंगवाई थी, तो काफ़ी महंगा मतलब पड़ा था फ्रेंड्स। तो इसलिए ना ये अभी मैंने बना लिया, तो अब मुझे जो है ये हमेशा काम आएगा, मतलब या गोलगप्पे का पानी बनाना हो, या चटनी बनाना हो, या फिर अचार का मसाला, हर चीज़ में ये काम आएगा। तो ये देखिए मैंने एक ये किचन के लिए छोटा डब्बा पैक कर लिया, और एक मैं बड़े डब्बा में इसको मैं अलग से हटा के रख दूंगी, ये स्टोर करके रख दूंगी, और ये मेरा फ्रेंड्स कम 1.5 साल आसानी से चल जाएगा। वही मैं बता रही थी कि ये मैं ऊपर रख दूंगी, ताकि ना उसको बार बार छूना नहीं पड़े उसमें, और ये छोटा सा मैंने यूज करने के लिए रख